तो भाई अपनी बाइक देख लेते हैं कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी। तो सेट ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप मैंने स्टार्टिंग से ही रीसेट नहीं की है, तो उसी में देखते हैं। 3200 एवरेज देख लो, 28 के एम पी एल की दे रखी है, काफ़ी अच्छी एवरेज है 300 सीसी बाइक के उसमें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विनोद और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल RR अनस्टॉपेबल। तो आज मैं जा रहा हूं अपनी बाइक की सेकंड सर्विस के लिए। होप सो कि आप इंजॉय करोगे इस वीडियो को। तो कुछ मेजर चेंज करवाने हैं, मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दूंगा। तो बाकी जो सर्विस सेकंड सर्विस में जो जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और सर्विस कॉस्ट सबसे मस्ट है कि हाँ सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहुँचते हैं फटाफट सर्विस सेंटर। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से मैंने बाइक ली थी, जहाँ से मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी अपनी। तो अभी भी मैं वहीं जा रहा हूँ सेकंड सर्विस के लिए। वहाँ का स्टाफ अच्छा है, बट थोड़ा रश रहता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी बंदे काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के, बाकी देखते हैं आज कौन मिलता है हमें। तो भाई सर्विस सेंटर पहुँचो क्या अपने, तो लगा दी है एंट्री वेंट्री करा दी हमने। तो ये खड़ी है अपने बाइक, बाकी और बाइकें भी लाइन में हैं लास्ट टाइम की तरह, बट इस बार जल्दी हो जाएगा शायद मेरा काम ना। किलोमीटर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए हैं कितने हैं। तो मेजर चेंजेस मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक तो ये मेरे को ओरिजिनल करवाना है इसका, ठीक है, ये वाला ओरिजिनल करवाना है। और अगर मिलेगा तो बोथ, ये सिंगल साइड का है ना, तो बोथ साइड का लगवाना है मेरे पास। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, बट ऑनलाइन क्या था कि वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। तो देखते हैं यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई बाइक अपनी लग चुकी है सर्विस के लिए, भाई ने टेस्ट ड्राइव वगैरह ले ली है। तो देखते हैं क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या थोड़ा इंजन मिलता है। गंदा हो गया ना, तो ऑयल ऑलमोस्ट निकल चुका है बाइक का ना, जो डस्टी ऑयल था वो निकाल दिया है। ऑयल चेंज होना है, फिल्टर चेंज होना है, बाकी और जो ये वाला जो हैंडल था ये वाला है नहीं इनके पास अभी, जो बोथ साइड आता है पिलियन हैंडल, तो ये वाला मेरे को चेंज कराना था, बट ये भी मिल नहीं रहा है अभी। भाई यहाँ डिस्कनेक्ट कर रहे हैं जो मैंने आफ्टर मार्केट LED लगवाई थी इसमें। RR अनस्टॉपेबल YouTube अभी डालोगे YouTube पे आप। तो भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, भाई एक लाइक इनके लिए भी कर देना वीडियो में। बाकी काम स्टार्ट हो गया है, एक साइड का डिस्कनेक्ट हो गया है LED। भाई चैन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, भाई ने एक नंबर चमका दी है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ना गोल्ड कलर की, वैसी निकाल ली है पूरी, तो इतना डस्ट निकल रहा है। चेन क्लीनिंग हो गई है, अब लुब्रिकेशन कर रहे हैं। साइड मिरर निकल चुके हैं अपने दोनों, सेकंड वाले को फिट कर रहे हैं भैया। तो ये थे भाई जो कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो गए मेरे, किसी काम के नहीं है। लुकिंग में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लुकिंग में काफ़ी अच्छे हैं, देखने में काफ़ी बढ़िया। हो गया कंप्लीट, अब जाएगी बाइक वॉश के लिए। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, साइड मिरर भी चेंज हो गए हैं, ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर अभी चेंज नहीं किया, फिल्टर ओके ही था।
ज़्यादा डस्टी नहीं था तो फिल्टर चेंज नहीं हुआ अभी। बाकी चेन लुब्रिकेशन बेसिक सी चीज़ें रहती हैं वो भैया ने कंप्लीट कर दी हैं, तो अभी एक बार ये ट्रायल ले लेंगे इनका। तो और मैं प्राइस का भी वीडियो के एंड में दिखा दूँगा आपको कितना पड़ा है क्या पड़ा है। तो भाई सर्विस अपनी हो गई है कंप्लीट, अब चलते हैं हम घर की तरफ। टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया आज इन्होंने। पावर सी थोड़ी बड़ी हुई लग रही है पता नहीं क्यों। यार पावर तो सर्विस में ज़्यादा कुछ था नहीं आज। मैं सोच रहा था कि ये फ़िल्टर चेंज करेंगे बट ये बोले कि आप थर्ड सर्विस में ही चेंज कराना, अभी इतना ज़रूरत है नहीं। तो खाली ऑयल चेंज हुआ है, चेन लूप जो कि नॉर्मल रहता ही है हर बाइक में हर सर्विस में। तो साइड मिरर मैंने चेंज करा लिया इसके ओरिजिनल, एक सेट नहीं किया मैंने। ये वाला जैसे वाइब्रेट नहीं कर रहा ना यार, मतलब अब कहीं भी सेट कर दूँ मैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे को ना, तो इसीलिए चेंज कराए मैंने। क्योंकि जब आप हाईवे पे चल रहे हो और आपको टर्न लेना है साइड देखनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी तो हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल ही रखे हैं। हाँ तो सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो सर्विस कॉस्ट मैं सोच रहा था कि सेकंड सर्विस है तो फिल्टर विल्टर चेंज होना है, और वैसे ज़्यादा महंगा होता नहीं है, शायद 300-400 रुपए का होता है, बट उन्होंने चेंज किया नहीं। तो टोटल सर्विस कॉस्ट आई है 2316 रुपए। आपको मैं ऊपर दिखा दूँगा, देख रहे हो तो 1600 रुपए, जिसमें 1750 समथिंग का तो खाली ऑयल ऑयल है, बाकी चेन लूप 300-400 रुपए का, बाकी बस इतना ही था। तो 2316 रुपए की मेरे को सर्विस पड़ी है सेकंड। यार मैं 11:30 बजे आया था और मतलब 11:30 बजे मैंने एंट्री वेंट्री करवा ली थी, और देख लो अभी टाइम हो रखा है 4:41, 5 बज जाएंगे घर जाते जाते, मान लो 5 ही घंटे लग गए मेरे को। मतलब अगर आप चाह रहे हो सर्विस कराना, आपकी सर्विस ड्यू है, तो पहले तो कंफर्म कर लें कि स्लॉट अवेलेबल है, और दूसरा फिर आप जाएं तो जल्दी जाएं, सुबह सुबह अपनी गाड़ी लगवा दें, और जिसे आपको इतना टाइम मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। सर्विस वाले भैया काफ़ी अच्छे थे कि सेकंड सर्विस ऑफ अवाचे RR310, और कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, बहुत ही कम कॉस्ट में मेरा सेकंड सर्विस कंप्लीट हो गया। हाँ जी वीडियो बना रहे हैं हम। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आगे और वीडियो अब कंटिन्यू आने वाली है, प्लीज़ सपोर्ट करें। सो करते हैं वीडियो का एंड, पहुँचते हैं फटाफट घर क्योंकि भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, 11 बजे आ गया था मैं। तो वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत थैंक्स, और जो अभी तक बने रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और हिट द लाइक बटन, कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट नहीं करते हो आप लोग ना, कमेंट किया करो यार। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट किसी वीडियो में।